खाला खाला 61 बरस की हो गई। पागल कहीं का, 16 लिखा हुआ है भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। अस्सलाम वालेकुम। खाला ये तुमने 16 साल भी ज्यादा नहीं लिखवा दिया। अरे छोड़ो भाई, इसके चक्कर में देर है, क्या काटो कैंडल जला जला। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ भाई जल्दी करो, अब सफर नहीं हो रहा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर खाला। अबे नूरे, खाला की सालगिरह कोई डांस वांस नहीं करेगा क्या? नहीं यार, मुझे ना शर्म आती है। बस कर दे लड़कू की नरगिस, तेरा शर्म से क्या। हाँ हाँ नूरे, एक डांस तो बनता भाई, खाला को कुछ तो गिफ्ट करना है ना। ठीक है आ जाओ। खाला माना कि लड़कियां बहुत झूठ बोलती हैं, लेकिन तुम्हारा सफेद झूठ तो कुदरत को भी पसंद नहीं आया। आज से पहले कभी नहीं हुआ ऐसा जेट लाइन में। दूसरे मोहल्लों में लाइट आ रही है, एक यही नहीं आ रही। हाँ आज तो हवा भी नहीं चल रही और चांद में भी बहुत चमक दमक नहीं है। खाला तुम्हारा चांद तो हकीम है, बुला लो उसे छत पे। रहने ही दो, खाला और हकीम को ही नया चांद ना चढ़ा दे। ऐसी भी बात नहीं है, दिल के बड़े अच्छे हैं वो। हाँ हाँ बुरे तो बस हम ही हैं। हाँ तो इसमें कोई शक है, तुम्हारी मनहूसियत की वजह से ही लाइट गई है। खाला कभी तो मुझसे अच्छी बात निकालिया करो, हर वक्त जहरी उगलती रहती हो। बस करो, लड़ने का क्या फायदा है, कोई हल सोचो यार। मैं ऐसा करती हूँ, रूसली अब्बा से बात करती हूँ। अबे यार इतनी गर्मी में ये लाइट को क्या मौत पड़ गई। भाई हो सकता है कि फ्यूज उड़ गया हो। भाई फ्यूज कैसे उड़ सकता है, उसके पार थोड़ी होते। हो सकता है पार निकल आए हूँ उसके। तुम लोग तो जाहिल के जाहिल ही रहना। लो भाई बोल, कौन रहा है, बहुत अच्छे। अब ये समझाएगा मांगो हम जाहिल है पागल। मेरी जिंदगी की तरह चारों तरफ अंधेरा ही हो गया, बस अब कोई उम्मीद की किरण आ जाए। लो अब ये किरण के पीछे पड़ गए। वाह वाह सोनिया, तेरिया कह रहा। नहीं ये बता, ये किरण है कौन और रहती किधर है? तू जिधर रहता है ना वहाँ की फिक्र कर, इतनी गर्मी है रात कैसे गुजारेंगे। भाई मैं तो कह रहा हूँ, क्या किसी काम वाले को जानते हो ना, कोई बिजली बनाने वाला हो तो उसको पकड़ के ले आओ। वाह इतनी रात को हम लाइट वाला लेके आएंगे। हाँ कल मिलेगा। मैं मतलब पूरी रात बचरू के साथ लड़ाई करके गुजारना पड़ेगी। कहाँ पागलों में फंस गया भाई। दफा मारो यार। अबे क्या हो गया, कहीं पहन रहा कहीं उतार रहा है, या पहन ले या उतार ले, मच्छर काटेंगे ना। एक तो ये आधा पागल हमें लड़ गया है। चुप्पो मुझे ना अच्छे तरीके से नाखून त्रासना सिखा दे, मेरे से ना डिंगे मिंगे कट जाते हैं। चल अच्छा ही है तू आ गया, चीकू तो वैसे भी भाग गया। ले पकड़, मैं नाखून मिटाया कर। चल अच्छा सुन ना, मुझे पार्लर का काम भी सिखा दे, मेरा ना बहुत शौक है। तू नहीं सीख सकता पार्लर का काम, भाग यहाँ से। वो ना गर्मी है इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा। तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मेरे पास कोई कस्टमर नहीं आ रहा। हाँ तो कैसे आएगा कस्टमर, इतनी गर्मी जो पड़ रही है सारा मेकअप खराब हो जाता है। शब्बों का किया हुआ मेकअप कभी खराब नहीं होता, गारंटी है। वाह सोनिया तेरिया खैरा। अरे बड़ा गर्क कर दिया, मेरे नाखून के इतनी मुश्किलों से लंबे किए थे। तू ना सारी जिंदगी नाई का नाई रहेगा, तू नहीं सीख सकता पार्लर का काम। हट यहाँ से, चल निकल, भाग यहाँ से, जा जा ना, तू नहीं कभी सीख सकता, नाई का नाई रहोगे सारी जिंदगी। अजीब लोग हैं, बताए इंतजार करा करके थका दिया है। मोहल्ले का ना बड़ा होना ही बड़ा मसला हो जाता है, सारी जिम्मेदारी हमारे कंधे पे आ गई। अबे ये आशिक किस आधे ठाकुर को पकड़ के ले आया? आधे ठाकुर की क्या मतलब है? अबे एक हाथ का है इसका। थी सकदा 100 रुपए की इतनी चोरी की थी, तो उन्होंने इधर हाथ काट दिया। अबे बात सुन, सिर्फ हाथ काटा है मतलब वो तो गर्दन भी काट देते हैं।
कौन है? ते सब तो छोटा है। मैं बटे का पूछा। ओए तूने स्नाइपर कार्ड बनाना है? बड़ा कौन है, छोटा कौन है? चल काम कर, काम काम। ये बहुत महंगा इलेक्ट्रिशियन है, पैसे कौन देगा? इसीलिए वो पूछ रहा है बड़ा कौन और छोटा कौन है। पूरे जेट लाइन का मसला है, सब मिलकर पैसे देंगे। हाँ तो फिर ठीक है, पहले पैसे ते फिर काम। ओए मैं बता रहा हूँ, देख इसको समझा ले, मैं इसका दूसरा हाथ काट के ना इसको पूरा ठाकुर बना लूंगा। चल चला मजा पीने साइकिल, आजा मजा पीने आजा। शब्बो कब देगी पैसे? तू तीसरा चक्कर लगवा रही है। खाला कितनी बार बताया पैसे नहीं है, आज कोई कस्टमर नहीं आया, कहाँ से लेके आऊँ पैसे? जो इतने जमा किए हुए हैं वहाँ से लाओ पैसे। क्या करेगी इतने पैसों का? तू है अपनी कब्र में लेके जाएगी? खाला तुमने इतने से पैसों के लिए मेरी कब्र खोद दी है, कुछ तो खुदा का खौफ कर। खुदा का खौफ तो तू कर। पूरा जट लाइन गर्मी से तड़प रहा है और तू इतनी दौलत पे नागिन बन के बैठी हुई है। तेरी सालगिरह पे बत्ती गई है ना, तू सारा खर्चा उठाएगी। ज्यादा बहाने ना बना, 2000 का निकाल। तौबा तौबा, अभी कुछ देर पहले तुम 1500 मांग रही थी। हाँ तो मुझे अभी याद आया ना कि तेरे पार्लर में तो एसी भी लगा हुआ है। खाला वो तो सिर्फ शोपीस है, कस्टमर का दिल खुश करने के लिए कसम से नहीं चलाती। चलाओ या ना चलाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो पैसे लेके ही जाऊंगी। वैसे भी वो बिजली ठीक करने वाले ने कहा है जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक बिजली नहीं आएगी। अच्छा सुनो, तुम अभी 500 ले जाओ, बाकी के बाद में ले जाओ। हाँ हाँ चलते तो सही। भाई अजीब इलेक्ट्रिशियन है, काम पे हमको लगा दिया और अपनी जेब में पैसे डाल के बैठे में। ओ भाई मेरा दूसरा हाथ होता तो सारे काम मैं आप कर लेने सी। वैसे तुम्हारा दूसरा हाथ गया कहाँ? एक दफा का जिक्र है कि ओ भाई हेलो, फ्लैशबैक है, जान की जरूरत नहीं है, मैं सारी कहानी आप सुनावांगा। अबे ओ डैम फुल, तुझे जिस काम के लिए बुलाया ना जल्दी से वो काम कर, जल्दी से बिजली ठीक कर। सबर कर लो, इतनी रात गुजार दी तब जल्दी नहीं थी? अबे तभी आया नहीं था ना भाई, इतनी मुश्किलों से मैं उसको ढूंढ के लाया हूँ, वो भी दूसरे मोहल्ले से, दो मिनट खबर नहीं है। अबे भाई अगर तू अपनी अकल भी ढूंढ लेता ना तो आज पागल नहीं होता। वाह बस सोनिया तेरिया खैरा, कम कितनी ऊवी था। ओ भाई मेरी कहानी तो बेची रह गई। भाई कहानी छोड़ो, किस्सा तमाम करो, ये लो तार छिल गया। ले आओ जी फड़ाओ इधर। लो भाई इसके काम देखो, ये को टाइम है डांस करने का। अबे यार मुझे लगता है इसको ना करंट लगी है। बताओ जो बची कुछ थोड़ी बिजली रह गई तारों में वो भी ये चूस गया। माइकल जैक्सन आला। अभी तो ठंडा हो गया। ब्रूसली क्या तुम्हारे मतलब के सामने तुमने हॉस्पिटल खोल लिया है? ओए नूरे उसकी शेव नहीं करनी, किसी तो होश में लेकर आ उसको। तो वही कर रहा हूँ ना भाई, पानी डालेंगे तो होश में आएगा ना वो। हमें तो लगता है कि जितने पैसे हम लोगों ने जमा किए ना वो इसके इलाज में लग जाएंगे। तो इलाज तुम करो ना, तुम भी तो हकीम हो। हिकमत में ना इतना मुश्किल इलाज है नहीं असल में। तो अब करेंगे क्या? इसके घर वाले तो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। आशिक तू ऐसा कर, इसको अस्पताल ले जा। ये तो ठीक हो जाएगा लेकिन बिजली का क्या करेंगे? भाई हमें याद आ गया, हमारे पास एक बंदा आया था इलाज करवाने के लिए, हमें उससे काम करवा लेंगे। ये मसला हमारा है, तुम लोग टेंशन ना लो। हाँ तो बस ठीक है ना, ले आओ उसको। उसको भी ले आएंगे, पहले इस मुसीबत से तो जान छुड़वाएं। भाई मैं तो बोलो चिता भी लेटा हुआ है, आग लगा दो, प्लग शॉर्ट है इसकी तो। सही कह रहे, जान छूट जाएगी। हाय हाय बेचारा, देखो एक हाथ भी नहीं चला गया इसका। क्या हो गया भाई, क्या डेड लाइन की चुड़ैले देख ली तुमने? हकीम साहब इसके ऊपर तो चूटियां चल रही हैं। हैं? अबे तो हाथ ही चलेगा क्या? चूटियों को छोड़ो, वायरिंग चेक करो, वायरिंग देखो। वही तो मैं देख रहा हूँ हकीम साहब, लेकिन एक मसला है। क्या मसला है?
ये तो जेट लाइन का नक्शा ही नहीं है। अबे तो कहां का नक्शा है? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहरहाल जो भी है ना आपका काम करके जाऊंगा। मसले को छोड़ भाई, यार गर्मी के मारे हाल बुरा हो रहा है, कब करेगा मसाल? जूस। क्या कहा? जूस मिलेगा हकीम साहब। अबे एक जूस की दुकान नजर आ रही तुझे? ताकत की गोलियां खा ले, ये है हमारे पास। हकीम साहब गला खुश्क हो रहा है, जूस के बगैर काम नहीं होगा। चल खुशबू से बोल दो तेरे लिए जूस लिया है। अरे बोलना क्या, बुला लेना खुशबू को, इसी बहाने जूस भी पी लूंगा और खुशबू के दीदार भी हो जाएंगे। अबे ओ बात सुनो, तुझे मैं लेके आया यहाँ पर, समझ गया ना? मेरा कमीशन का ध्यान रखियो, सही है? और बात सुन, खुशबू का नाम ले, वरना इतना मारूंगा ना तेरे में से बदबू आना शुरू हो जाएगी। काम कर। खुशबू, दीदार, नरगिस, आवारा। तुम क्या इतनी गर्मी में चूल्हे के आगे खड़ी रहती हो? बहन रोजी कमाने के लिए ना सर्दी और गर्मी नहीं देखी जाती। खैर जो भी है, मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ, खाला पैसे तो मांगने आ जाती है और काम अभी तक नहीं हुआ बिजली का। खाला का कोई कसूर नहीं है, ना उस बंदे को करंट लगता, ना खर्चा होता, वो तो शुक्र करो उस बंदे की जान बच गई। जान तो हमारी अटकी हुई है, बिजली आएगी तो सुकून होगा। सुना तो है, एक बंदा है बड़ा स्मार्ट है, रक्षा भी है उसके पास। नक्शे तो मैं भी 10 बना लूं, अगर मैं बुरी बुरी शक्लों को अच्छा बना सकती हूँ तो ये कौन सा मुश्किल काम है? बहन तुम्हारे काम में और बिजली के काम में बहुत फर्क है। अच्छा खैर जो भी है, मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ कि मुझसे अब पैसे मांगने मत आना, बार बार आ जाती है खाला पैसे मांगने। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये बिजली ठीक कर पाएगा भाई, इसके बाद ना हर जगह की वायरिंग के नक्शे हैं। हाँ तो मुझे तो शक्ल से ही लग रहा है ये नक्शेबाज। अच्छा बताओ शब्बू ने पैसे दिए? ये कोई कंजूस है ना, वो मर मर के सिर्फ 200 रुपए निकाले। चलो शुक्र दिए तो, हमें तो ये भी उम्मीद नहीं थी भाई। चलो शुक्र है दिए तो, वो भी तो इसके जूस पे खर्च हो गए सारे। अब दिमाग ठिकाने आया? आ गई, दूसरी जेब में मेरे पास जेटलन का नक्शा। तो निकालो ना और देखे मैं तो मसला कहाँ आ रहा है। मसला तो चुटकियों में हल हो जाएगा, लेकिन एक मसला है, भूख लग रही है। ये किस भूखे नंगे को उठा कर ले आयो? तुम तो कह रहे थे टेंशन फ्री हो जाओ और एक और टेंशन उठाकर मेरे सर पर रख दी है। इधर आ बे, अब्बू के वजीर है भाई, मैं जानबूझ के थोड़ी लेके आया हूँ। एक काम करता हूँ, इसको पूछ दे अब्बा के पास लेके जाता हूँ और कुछ ठुसा देता हूँ, सही है? चल भाई आ जा, कुछ खिला दूँ, खा खा के आ जाते हैं भूखे नंगे सारे। अब तो बिजली ठीक कर दो, जूस भी पी लिया, खाना भी ठूस लिया। उसके लिए नक्शा देखना पड़ेगा। कुछ समझ आया कि नहीं? आ गया समझ, ये तो नक्शा ही नहीं है। अबे लंडे के सलमान खान, तो ठीक से नक्शा लाना। ठीक वाला नक्शा मिल भी गया तो एक मसला है। जिंदगी जिंदगी खुद एक मसला है और तुम मजीद मसले लेकर आ गए हो। अबे तुम तो अपनी बकवास बंद करो, पहले उससे मसला पूछने दो। मसला सिर्फ इतना सा है, वायरिंग का पता चल भी गया तो उसके लिए इलेक्ट्रीशियन ढूंढना पड़ेगा। है क्या मतलब, फिर तुम किस मर्ज की दवा हो भाई? अरे भैया मैं तो नक्शा देखता हूँ, मेरा सिर्फ इतना ही काम है। इसको लेकर कौन आया? हकीम साहब लाया ना, और कौन लाया? हकीम साहब तो पिटेंगे। बेटा तू प्यार से उठेगा या तुझे मार मार कर उठाए? तो भाई ये किस मर्द की दवा है, मारो इसको। जूस पी गया वो मनहूस, चलो माफ किया, रूस ने अब्बा ने खाना भी खिलाया था, माफ किया, लेकिन बिजली के जो पैसे थे वो माफ नहीं करेंगे। निकाल पैसे, शाबाश निकाल। भाई पैसे कहाँ से निकाले, वो तो एडवांस में लगे हमसे वो। बहुत अच्छे, मुझे मांगने पे लगा दिया है, सारी जट लाइन वालों के सामने पैसे मांगते हुए जरा अच्छा नहीं लगता मुझे। अब तो शब्बा भी पैसे नहीं देगी, उसे मना कर दिया है। तो उसने कौन से पूरे पैसे दिए, थोड़े पैसे दिए? हाँ तो जितने दिए थे ना, दिए तो थे, नुकसान तो ठीक ही है ना। और अभी तक बिजली का कोई पता नहीं, लगता है सारी जिंदगी बगैर बिजली के गुजारनी पड़ेगी। सारे लुटिए, एक दफा मेरे को भी मौका दियो। क्या मतलब? मेरा मतलब है, ओ, मुझे याद है मेरे दादा थे दोस्त ने ना जट लाइन की सारी वायरिंग की थी। अबे क्या मतलब है, अब तेरे दादा के दोस्त के लिए हम कब्रिस्तान गए, उसको ले गया वहां। भाई कहीं से भी लेकर आओ, बिजली ठीक होनी चाहिए। जहाँ बाकी सबको आजमाया वहाँ तुझे भी आजमा लेते हैं।
हाँ तो ठीक है खाला, तुम ना जाके सबसे पैसे जमा कराओ। फिर मैं ही पैसे जमा करूँ? इससे तो अच्छा मैं कटोरा पकड़ लेती हूँ। बताओ कल वजीर आजम कैसे बनेगी? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? समझ गए, इलाज के लिए आए ना, कर देंगे भैया, भागते फिरेंगे। हाँ लेकिन उसके लिए ना आपको हमारे मतलब आना पड़ेगा। आ जाए भाई, मान लिया कि आपको पा लीजिए, लेकिन आपकी व्हील चेयर को तो नहीं है ना, आना पड़ेगा आपको। ओ हकीम साहब, किसके इलाज की गाल हो रही है? भाई इनके इलाज की। ओ हकीम साहब, इसको इलाज की जरूरत नहीं है, ये तो बिजली ठीक करने आया यार। है? ये बिजली ठीक करेगा? तू इसे लेके आ। भाई देख, हमारी तो खाली हुई है पिटाई, तुम्हारी टांगें टूटेंगी। ओ वाह सोनिया, तेरिया गहरा ऐसी गाल भी नहीं है, इसने अपने हाथ नाल जट लाइन की पूरी वायरिंग की है। है? इसने? हाँ। अबे इसकी तो अपनी वायरिंग ठीक नहीं है, ये कैसे करेगा? खैर कोई बात नहीं, देख लेंगे, टांगे तो टूटेंगी भाई। इसके सबके खराद के लिए तो इतने पैसे जमा हो जाएंगे, बिजली ठीक कराने के लिए कोई एक रुपया नहीं देता। अरे खाला, तुम इसको बहुत हल्का ले रही हो, उन काबिल आदमी है। वो तो देख के लग ही रहा है कि कितना काबिल है, इसकी अपनी वायरिंग तो शार्ट लग रही है मुझे। अब ऐसी गल्ला ना करो, फिर हो गया काम, जल्दी करो पैसे दो, फिर मैं इससे काम शुरू करवाऊँ। और तुम इसे काम पे तो लगाओ ना, देखो यहाँ बिजली ठीक हुई और यहाँ पैसे तुम्हारे हाथ पे। हाँ भाई सही है, सबकी वारी पहले पैसे, मेरी वारी काम के बाद। मेरी? मेरा मतलब इस माजूर शरीफ आदमी की वारी। हाँ, इतना वो माजूर और इतने तुम शरीफ, अब मेरा सर न खाओ, जाओ इसको लेके जाओ काम पे लगाओ, जाओ। तुम तो माजूर नहीं हो। हाँ, एक तो पहले गर्मी ने इतना हाल बेहाल किया हुआ, ऊपर से क्या करूँ मैं। किसी को भी कमतर नहीं समझना चाहिए, हो सकता है वो माहिर बंदा हो। इसमें कोई शक नहीं कर रहे कि वो माहिर नहीं है, होगा वो माहिर, पर तुम खुद सोचो जो बंदा व्हील चेयर पे बैठा है वो क्या खास काम करेगा? तो जो चलते फिरते लोग आए थे उन्होंने बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। भाई कुछ भी हो, मैं शब्बों से पैसे लेने अब नहीं जाऊंगी। एक तो वो है इतनी कंजूस, ऊपर से अगर उसे पता चला कि माजूर बंदा है वो तो मेरे गले ही पड़ जाएगी। फिर तो शब्बों के पास पैसे लेने मैं जाऊंगा, इसी बहाने गले तो पड़ेगी। रुसली अब्बा, सब यहाँ टेंशन में है और तुम्हें मजाक सूझ रहे? मैं मजाक नहीं कर रहा, उससे पैसे लेने की जिम्मेदारी मेरी। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम ही जाओगे पैसे लेने और पैसे लेकर आओगे, और अगर पैसे ना लाए तो वो पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे। मंजूर है, मंजूर। और वो भी डबल। मंजूर है, मंजूर है। ठीक है भाई ले आओ, मुझे क्या। नूरे नूरे, इस बुड्ढे को समझा ले, मेरी 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 नेहा को इशारे न करे। भाई तुम्हारी नेहा को इशारे नहीं कर रहा, वो तो ये बता रहा है कि कुएं में कोई खराबी है। तो हमने इसको बिजली ठीक करने के लिए बुलाया, ये कुएं की खराबी को ढूंढ रहा। भाई देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि बिजली के कुछ तार जो है वो जमीन दोष हो गए हैं और उसमें कुएं के पानी में चले गए, उससे शॉर्ट सर्किट हो गया। नहीं 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 हकीम साहब, नहीं, मेरी मेरी नेहा तो करंट से मर नहीं सकती, ये हो ही नहीं सकता। अरे यार बस कर दो, तुम लोगों को अपनी अपनी पड़ी हुई है, देख नहीं रहे बेचारे का गला सूख रहा है यार, उसको प्यास लगी है इसलिए कुएं की तरफ इशारा कर रहा है। बहुत अच्छे, हम समझे थे वो काम की बात कर रहा है। बस बस बहुत हो गया, नूरे नूरे से काम करा, उसको वापस छोड़ गया। अरे यार बस कर दो भाई, उसको पानी तो पिला दो कोई। ओए आशिक एक काम कर, पुरुष लिए अब्बा के पास जा, पानी का एक गिलास भर के ला। सही है, और ये चाचा बिजली कब सही करेगा? अबे कब सही करे, आ जा, हट हट हट, अबे मैं बता रहा हूँ इसको समझा ले, बिजली सही करो, सही करा। ये रात गई बात गई तो सुना था, तो दिन भी ढलने लगा है। भाई हमें तो लग रहा है कि हमारी जवानी गुजर जाएगी लेकिन लाइट नहीं आएगी। जवानी
जवानी बची गए अब आप में, अब आप जाओ कब्रिस्तान और जाके बस अपनी आरामगा के डिजाइन पसंद करो। अब तेरा डिजाइन नहीं बदलूं मैं। आशिक माफी मांगो हकीम साहब से, इतना अहम मसला चल रहा है, पता नहीं वो बंदर लाइट ठीक करेगा भी कि नहीं। मैं बोल रहा हूँ वो बुढ़ा, वो कुछ नहीं कर सकता, ना वो हिल सकता, ना वो कुछ, वो क्या करेगा भाई। हमने तो पहले ही कहा था टांगे टूटेंगी। अल्लाह ना करे हकीम साहब आपकी टांगे टूटे। भाई हम अपनी बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो नूरे से कहा था कि देखो मबलूच को लेके आओ, टांगे टूटेंगी तुम्हारी, ये बोल रहे हैं। फिर ठीक है, ये ब्रूसली अब्बा का रह गया, कहीं शब्बू ने उसे मार मार कर मफलूज तो नहीं कर दिया। वो तो कर भी सकती है ऐसा, चलो देखें चल के। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे मांगने की, मेरे पार्लर में घुस के हैं। मैं तो तुम्हारी इजाजत लेकर आया था। मुझे क्या पता था तुम मुझसे पैसे मांगेगा, सुबह से एक कस्टमर आया नहीं और भीख मांगने वाले आ ही जा रहे। अब तुम अपने मोहल्ले वालों को भिखारी बोलोगी, ये बात तो ठीक नहीं है। नहीं तो और क्या बोलूं, मैंने ठेका उठा के रखा है। इसका मतलब मैं ना समझूं? शराफत से यहाँ से चले जाओ नहीं तो सर फाड़ दूंगी तुम्हारा। देखो शुभू, मेरा सर फाड़ोगी ना तो उसके इलाज का खर्चा तुम पे ही आएगा, जब वो खर्चा बर्दाश्त कर सकती हो तो बिजली वाले के पैसे दे दो। तेरी भी ऐसी की तैसी और बिजली वाले की भी ऐसी की तैसी। मेरे बारे में कुछ भी बोलो लेकिन किसी माजूर के बारे में ऐसे नहीं बोलते। तो बात जट लाइन वालों के पास दिमाग है भी के नहीं, मजदूरों को उठा के ले आते काम के लिए। वो बहुत पुराना बंदा है, देखना कैसे बिजली आती है और तुम ठंडी हवाओं के मजे लोगी। मजा तो उसे मैं चखाती हूँ, रुको जरा ठीक है। अरे शबो बात तो सुन, शबो बात सुन ना। अरे शबो हेलो, क्या उल्टे सीधे इशारे कर रहे हैं अब भाई? ये बोला खाला की जबान जो ना खेती की तरह चलती है क्या? अरे नहीं यार, ये शायद प्लास मांग रहा है। तो लाओ ना, शुक्र है काम तो शुरू हुआ। भाई अब ये क्या बोल रहा है? शायद ये बोल रहा है अभी काम शुरू नहीं हुआ। तो कब होगा शुरू? कब से बस उल्टे सीधे इशारे करी जा रहा है। लो अब ये फांसी की बातें कर रहा है। अरे नहीं नहीं, ये कह रहा है तार काटनी पड़ेगी। भाई कैसे काटेगा, इनके तो दांत ही नहीं है, दांत के बगैर कैसे काटेगा? इस मजदूर को उठा के लाए तुम लोग बिजली ठीक कराने के लिए? कसम ले शब्बो हम लेकर नहीं आए भाई, ये तो नूरा नहीं लेके आए। मुझे खाला ने कहा था इसको लेके आओ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। कसूर जिसका भी हो, सजा तो इसी को मिलेगी। और कितनी सजा देंगे इसको, चल तो बेचारा सकता नहीं है, अब हिल भी नहीं सकेगा, बड़े इशारे कर रहा था ना। अबे क्या तूने सचमुच में माजूर होना है? 1 2 3 भाग बुड्ढे। क्या हुआ? इसे बोला ना चांद ना चढ़ा दे। दिशा सिखावट सिखा दे। बेड़ा गरक कर दिया मेरे नक। मैं उस स्टाइल में खड़ा हुआ था ना यार, मैं इसको देखते रह गया हूँ यार, मैं इसको देखते रह गया हूँ यार। बराबर तो मिला, तू पहले बोल रहा है, मैं बाद में बोल रहा हूँ। चल।